फर्स्टली ऑसम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं आदरणीय नागवानी सर, उनका मैं सबसे पहले उल्लेख करना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि हमारे सर हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की मतलब नवाचार करते रहते हैं कि बच्चों का परफॉर्मेंस बेहतर कैसे हो। कहीं ये उनने सुन लिया उसको लागू करेंगे, ये सुन लिया उसको लागू करेंगे। तो जब मेरे ध्यान में ये बात पहली बार आई तो मुझे लगा कि यार सर को कोई काम नहीं है, कहीं ये करते हैं कहीं वो करते हैं, फालतू का पैसा बर्बाद करते रहते हैं। अचानक से उनने बोला कि अब तुम्ही को जाना है। तो मैं बड़े बोझल मन से कहना चाहिए या कहना चाहिए अनमन के साथ यहाँ पर आया, चलो यार अब सर का आदेश है पालना पड़ेगा, उनने कहा है तो मानना पड़ेगा, आ गया। जब आया तो यहाँ की व्यवस्थाएं मैंने देखी पहले दिन, तो मुझे मेरी शायद मोनिका मैम से बात हुई एक दो बार, और एक आध बार हमारे जो सर हैं अंकुश सर उनसे भी बात हुई। तो मुझे लगा कि बातें तो बहुत अच्छी हो रही हैं, अब चल के देखना चाहिए कि है क्या हकीकत में वहाँ पे। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर मेरा जो मन है या जो दिल है वो बाग बाग हो गया। माने सारी व्यवस्थाएं जो मैंने सोच रखा था उससे कहीं बेहतर मुझे मिले। अगर इस पूरे ट्रेनिंग को मैं दो शब्दों में शॉर्ट आउट करने की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जैसे गागर में सागर, इस तरीके से ये जो बैगलेस की ट्रेनिंग हुई, हमारे मेमोरी किंग जो नवीन सर हैं उन्होंने जो बहुत से जो न्यूमेरिक या मेथड्स जो हमको बताए सारे के सारे औसम। और जब भी मैं क्लास में, मैं जब स्कूल में अपने क्लास में जाता हूँ तो देखता हूँ कि जो बच्चे होते हैं उनको कोई चीज़ याद करवाई जाती है 10-15 दिन बाद फिर जीरो। कई बार हम लोगों की चर्चा होती रहती है कि कैसे करें क्या करें, इन बच्चों को क्या करें, मार लिया पीट लिया चिल्ला लिया पेरेंट्स को बुलाया सब कुछ किया लेकिन इनको कुछ याद ही नहीं होता, इनका कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। तो आज जाके पता चला यहाँ आने के बाद, थैंक्स फॉर बैगलेस एंड टैक्स वे कि इतना अच्छा कंसेप्ट हम लोगों के सामने आया। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मेथड्स को जो आज दो दिन के इस वर्कशॉप में हम सभी ने सीखा है, इससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और सैल्यूट करूँगा मैं टैक्स वे को और सारे स्टाफ को, साथ में नवीन सर को, कि इतना अच्छा कंसेप्ट लेकर के वो आए हैं जिससे हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं। अगर हमने बच्चों को कुछ दे दिया तो उससे हमारा समाज और हमारा देश भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। तो सभी को मैं दिल से एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा। और इतने सारे फ्रेंड्स मिले, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं मिली, स्पेशली हमारे विश्वनाथ शर्मा जी जिनके पास पूरा डिपार्टमेंट, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है भोजन, वो व्यवस्था ऑसम है, एवरीथिंग ऑसम। थैंक्स टू लॉट ऑल ऑफ यू।